बैक टू न्यू वीडियो। आज वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले गाड़ी की, जो मैं करता हेड लैंप्स के अंदर एलईडी लगवाने में था। इसके अंदर तो एलईडी लगवाई नहीं मैंने, हैलोजन लगवा लिए इसके अंदर सेटअप। ये है अपने, ये देख सकते हैं वाट वगैरह इसके अंदर लिख रखा है 100 90 का है। पहले था इस कार के अंदर 55 60 का ऐसे कुछ था इसके अंदर, तो पहले से मतलब ऑलमोस्ट इसके अंदर डबल हो चुका है इसके अंदर सेटअप। अब देखेंगे देखें क्या रहता है इसका। तो अब इसको बोनट खोल के फिर दिखाता हूँ आपको इसके डिटेल में। तो इसके अंदर हम बात करें तो ये चेंज कर दिया अपन ने, और इसका सबसे पहले तो एक ही लगा है सनलाइट का डुअल हेड लैम्प रिले लगी इसकी। तो 12 वाट की 400 DBW, मतलब ये ज़्यादा वाट की आती है, तो इसके हिसाब से पहले इसके अंदर लग रखी थी 60 55, हाँ अब लग रखी इसमें 90 65 की। और इसके अंदर एलईडी इसलिए नहीं लगा क्योंकि एलईडी का क्या थ्रो फैलता है, तो एलईडी अगर जैसे अपने ये हो अपनी कार के अंदर प्रोजेक्टर हेड लैम्प, जब एलईडी सक्सेसफुल है इसमें क्या एलईडी फैल जाती है, लगवा भी रखी किसी ने कहीं ने, तो फिर मैंने ये सही भी है बजट में भी अपने 750 रुपये की तो ये रील आई है। तो ये इसका एक प्लस से हुआ है, दो अर्थ लगे हैं इसमें दोनों साइड, और वायरिंग तो खैर ज़्यादा हो गई, अर्थ ही लगे हैं ये, तो अर्थ में तो कोई दिक्कत है नहीं, अर्थ शॉर्ट सर्किट होता भी नहीं। ये एक यहाँ पे लगाया बस, इसमें क्या है बैटरी में ही लगाई और तो कोई वायरिंग, और इसके अंदर ये कपलर एक यहाँ पे लगाया और ये हुआ कपलर टू कपलर काम अपना, ये एक कपलर यहाँ पे लग गया इसका। और ये है सनशाइन की, इनकी तो कोई बिल्कुल ही कॉस्ट नहीं है, इनकी सन लिटल इनकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एक मतलब 150 रुपये का एक पीस है। इसके अंदर मैंने पुराने वाले डाल दिए, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो इनके अंदर, वैसे इनमें हेलोजन के अंदर की कोई दिक्कत आती नहीं। अभी इस टाइम का हो रहा है तो अभी दिखा देता हूँ आपको, शाम को दिखा दूँगा आपको इसका प्रॉपर जो थ्रो है वो शाम को देखने को मिलेगा इस लाइट का। अपन इसको ऑन कर देते हैं, दिन में भी बढ़िया थ्रो अपन को देखने को मिल रहा है इनका इसका, अब रात को देखेंगे देखिए थ्रो क्या रहता है। अच्छा है इस बजट के हिसाब से 1000 रुपये में और क्या चाहिए, अच्छा खासा थ्रो जाए तो इस कार के अंदर। बस ये थोड़ा ज़्यादा होगा वायरिंग, इसको इसके पीसेस लेने दिए थे इसने यहाँ से ले ली। हेलो एवरीवन, तो अब शाम हो चुकी है, अब इसका अपन चेकआउट करते हैं बाहर, सब भी दिखाते हैं आपको थोड़ा, यहाँ पर इतना साफ दिखेगा नहीं। ये बंद कर देता हूँ, ये है इसका बंद, ये अपन ने जला दी फॉग लैंप। ये है इसका जो लॉबी में वो थोड़ी सी लाइट इसके अंदर ऐसे हेड लैंप का डिजाइन ऐसा है इसके अंदर, इस साइड उजाला तो बड़ा है पहले से। और अपन बात करें हाई बीम की अगर, तो आगे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, अगले को ऐसा जा रहा है थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है, लेकिन उजाला पहले से बड़ा है, पहले से ज़्यादा वाट की, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है उजाला आगे तक, ऐसे ऐसे बीच में कर पूरा आगे तक आपको देखने को मिल जाता है। हाई लॉबी में भी आप पहले से फर्क लगेगा, पहले थोड़ा सा ही था